एबेमेट 400 कैप्सूल, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। इससे कब इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे बेनिफिट दिलाता है, कैसे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। तो जब आप चाहते हैं कि आपका फेस काफ़ी ग्लोई दिखे और आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रहे, और जैसे कि आपकी स्किन जैसे कि पिंपल्स फ्री रहे, और आपकी स्किन में जो ऑयलनेस ज़्यादा होता है वह कम रहे, और आपकी स्किन का हमेशा मॉइस्चराइज़र बना रहे, और आपकी स्किन में जो काले काले धब्बे पड़ रहे हैं वह कम रहे, आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करे, रेडियंस ग्लो करे, और आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ रहे, जो देखने में काफ़ी अच्छा दिखे, और जैसे कि आपकी स्किन ज़्यादा ओल्डर ना हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है स्किन को ग्लो करने में, आपकी स्किन को जबकि काफ़ी अच्छे से ये प्रिवेंट करता है जैसे कि डैमेज होने से, आपको बूढ़ाई की उम्र को कम करता है ये, आपकी स्किन में ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है जिसके वजह से आपकी स्किन में जो डैमेजिंग होते रहता है, आपकी जो स्किन के जो सेल्स रहते हैं वह डैमेज होते रहते हैं वह रुक जाते हैं, जिसके वजह से आपका स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो दिखती है, फेयरी दिखती है, और पिंपल्स फ्री, ऑयल फ्री रहती है, और साथ में स्किन काफ़ी नरिश्ड रहती है। ये बहुत अच्छा है। इसका जो डोज रहता है ओडी डोज रहता है, आपको इसे एक दिन एक लेना है। कभी कभी इसे जो लोग इसे जो कि खाते हैं, और कभी कभी इसका जो इस्तेमाल डायरेक्टली इसको पेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसे आपको खाना रहता है। ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प दिलाता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन ऑयल पेपर्स के लिए। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन ऑयल पेपर्स के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से इस्तेमाल करेंगे तो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं। अगर आप जैसे कि लेडीज़ हैं, प्रेगनेंट हैं, दूध पिला रहे बच्चों को, तो आप इसे ना लें। हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या तो इसे ना लें, और जैसे कि अगर आपके अंदर जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी इसे ना लें। लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह दोनों के लिए चलता है, मेंस और वेमेंस के लिए। तो अगर आप चैनल और वीडियो पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं, बहुत सारे मेडिसिन से जो जानकारी से मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट डायरेक्ट वीडियो पूछ सकते हैं।